यही सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो कैसे की तरह ही हमने बिनौला खल में भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट ईयर आते आते बिनौला खल में कुछ तेजी बन पाएगी? देखिए, आपने अच्छी कमोडिटी पिकअप की है। अगर हम बिनौला खल की बात करें तो पहले हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। जनवरी से अभी तक इस कमोडिटी में करीबन 26% की तेजी दिखाई है। एज ऑफ नाउ पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो सबसे सस्ती कमोडिटी आज की डेट में यही है। जी ढंग से कॉटन की अगर हम क्रॉप की बात करें, 370 से 360 से 353 और या उसके नीचे की बातें कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड है, सप्लाई की टाइटनेस है। एक खास चीज और बताना चाहूंगा, दो दिन पहले ही डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर एक अपडेट आया था जहां पे 9 से 10% का ग्रोथ 2022 में बता रहे, मतलब डेयरी इंडस्ट्री से डिमांड रहेगा। डेयरी इंडस्ट्री के लिए जो दूध रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और पूरे एग्रीकल्चर कमोडिटी जो हम लोग खिलाते हैं कैटल्स को, उसके अंदर खाली मात्र कॉटन सीड ऑयल के ही एक ऐसा है जो दूध में फैट बढ़ाता है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी मार्च अप्रैल की व्यू के हिसाब से अगर कॉटन सीड ऑयल के 2500 के करीब लेके चलता है तो आई थिंक 6 महीना जरूर लगेगा, बट ये 4000 का भी लेवल दिखा सकता है। टेम्परेरी अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है कि 2400-2500 का रेंज बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लेना चाहिए 2200 के स्टॉप लॉस से। 2850 से 2900 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल के में देखने मिल जाएगा जी। तो यानी कि बिनौला खल के जो फंडामेंटल्स हैं ठीक ठाक ही हैं, और जैसे कि अजय जी ने भी बताया है कि 2500 के पर खरीद करके चला जा सकता है, 2200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2800 से लेकर 2900 के टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं।